भूतों और पिशाचों का नाम सुनते ही हमारे मन में एक अलग सा डर ही पैदा हो जाता है। ऑस्ट्रेलियाई आउटबैक के बीच में चट्टानों से लेकर डरावने होटलों में स्टीफन किंग तक, पिशाचों के मशहूर घरों से लेकर यूरोप की गहराइयों में पड़ी हुई पेड़ों की दुनिया के रहस्यमयी जगहों वाली हवेलियों तक, न चाहते हुए भी ये मन इन जगहों पर एक बार जाने के लिए आपको मजबूर कर देगी। छुट्टियां मनाने के लिए तो खूबसूरत जगहों पर जाना एक परंपरा ही बन गया है, लेकिन अगर आप कुछ अलग, कुछ हटकर करने की सोच रहे हैं और ऐसी जगहों पर घूमने जाना चाहते हैं जो रहस्यों से भरा हुआ हो, तो इन रहस्यों पर से पर्दा उठाने का समय आ गया है। ऐसे ही कुछ जगह दुनिया में हैं जो आपके अजीब और अद्भुत हितों को लुभाने के लिए बिल्कुल सही है। अगर आप इन रहस्यमय जगहों की यात्रा करने के लिए इस वीडियो में तैयार हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। द बाम्फ स्प्रिंग होटल, कनाडा। कनाडा के बाम्फ स्प्रिंग होटल को भूतिया किस्सों और रहस्यमय घटनाओं का एक बड़ा घर माना जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस होटल के 873 कमरे में एक पूरे परिवार की हत्या कर दी गई थी। कुछ लोग तो ये भी कहने से नहीं थकते कि आज भी वहाँ एक आदमी लोगों के कमरे की घंटी बजाता है और फिर गायब हो जाता है। पर जो भी हो, ये होटल तो देखने में काफी खूबसूरत है। भानगढ़ फोर्ट, भारत। यह किला भानगढ़ के अलवर जिले में है, जो राजस्थान में पड़ता है। बड़ी तादाद में यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं, लेकिन रात होने से पहले ही चले जाते हैं। आसपास के लोगों का कहना है कि रात के वक्त यहाँ पायल की आवाज़ें सुनाई देती है और कभी कभी तो घुंघरुओं की भी आवाज़ें आती रहती है। इस किले को शायद 15वीं या 16वीं सदी में बनाया गया था। इसे भूतिया होने के बारे में कई कहानियाँ सुनाई जाती है। ये कहानियाँ काफ़ी लंबी है, इसीलिए इसके बारे में हम आने वाले वीडियोज में बात करेंगे। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। द स्किरिड माउंटेन इन वेल्स। खूबसूरत ब्रेकन बीकन नेशनल पार्क के पूर्वी किनारे पत्थरों वाले गांव के बीच बसे द स्किरिड ग्रेरिक राष्ट्र के अतीत कहानियों से भरा पड़ा हुआ एक गांव है। यहां के एक न्यायालय के जज यानी कि हैंगिंग न्यायाधीश जॉर्ज जेफरीज के आदेश के बाद अपराधियों को फांसी पर लटका दिया गया था। कहा जाता है कि उन्हीं अपराधियों की आत्मा अभी भी यहाँ भटकती है। हाईगेट सेमेट्री, इंग्लैंड। इंग्लैंड की राजधानी लंदन में मौजूद हाईगेट कब्रिस्तान और उसके आसपास का इलाका भूतिया माना जाता है। बताया जाता है कि इन कब्रिस्तान में वैम्पायर्स का बहुत बड़ा अड्डा है और वो हमेशा इसमें घूमते रहते हैं। लेकिन पूरी दुनिया में यह माना जाता है कि वैम्पायर्स नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं, लेकिन लोगों ने इस कब्रिस्तान में कई बार वैम्पायर्स देखने का दावा किया है। भूतिया डरावनी और रहस्यमयी हवेलियों में से ये आखिरी हवेली है, बोरले रेक्टोरी। ये कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, इसे इंग्लैंड का सबसे भूतहा घर माना जाता है। बोरले रेक्टोरी को 1863 में हेनरी डासन एलिस बुल के द्वारा बनाया गया था। इसे विक्टोरियन हवेली भी कहा जाता है। माना जाता है कि 13वीं शताब्दी में यहाँ एक चर्च की नन बोरले मठ के एक भिक्षु से प्यार करती थी। जब हेनरी को यह पता चला तो उन्हें पकड़कर बहुत बेरहमी से मार दिया गया। ऐसा अक्सर होता है, ये तो आपको पता ही होगा। उसके बाद इन्हें मठ की ईंटों से बने तहखाने में दफना दिया गया था, तभी से यह जगह भूतिया हो गई है। पैरानॉर्मल और घोस्ट हंटर्स भी इस जगह पर अनदेखी शक्तियों को महसूस कर चुके हैं और उसे ब्रिटेन का सबसे खौफनाक हवेली मानते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर इस पर 1000 लाइक्स और 100 कमेंट्स आते हैं तो मैं इस वीडियो का सेकेंड पार्ट जरूर लेकर आऊँगा। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।